जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग कल्याण के अंक श्री भगवान नाम महिमा से लिया गया है। भगवान का नाम भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है और वह भगवान की ही शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान है। जैसे किसी महान वैभवशाली सम्राट को अपने खजाने की असंख्य धनराशि की संख्या का पता नहीं रहता, इसी प्रकार नामी भगवान भी अपने नाम की अनंत गुणावलियों का पता रखना नहीं चाहते। यह भी उनका एक महान गुण है। भगवान के जिस मंगलमय नाम से पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, उसके बदले में मोक्ष की चाह करना भी प्रेमियों ने कामना माना है। अतएव लोक परलोक की किसी भी क्षुद्र महान कामना के कामना में नाम का प्रयोग करना एक प्रकार से अविवेक या मूर्खता ही है। लोक परलोक के जो भोग हैं सभी दुख योनि और विनाशी हैं। ऐसे मधुर विष रूप विषयों की चाह करना और नाम के बदले में उन्हें चाहना महान मूर्खता है। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी सठ हटि पियत विषय विष मागी। अतएव बुद्धिमान और अपना यथार्थ कल्याण चाहने वाले पुरुष का यही कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को भगवान नाम में बना दे और नाम के फल स्वरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नाम निष्ठा की ही कामना करे। यही नाम का आदर है और इसी भाव से नाम का सेवन भी करना चाहिए। तुरंत जब तक यह भाव जागृत ना हो तब तक किसी भी भाव से किसी भी सत्कामना को लेकर नाम का आश्रय लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा करना मूर्खता होने पर भी पाप नहीं है, वरम कर्तव्य है। अवश्य ही जिसमें किसी दूसरे का जरा भी अहित होता हो और परिणाम में अपना भी अहित होता हो, ऐसे किसी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान के नाम का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जब तक भगवान के नाम में रति न पैदा हो जाए तब तक रुचि के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। जब तक रुचि न पैदा हो तब तक भगवान के नाम का अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास की दृढ़ता न होने तक अमोघ औषध के रूप में भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम नित्य मधुर और दिव्य अमृत रूप है। उदाहरण के लिए मिश्री मीठी होने पर भी पित्त के रोगी की जीभ कड़वी होने के कारण उसे मिश्री कड़वी लगती है, परंतु मिश्री पित्त नाश की दवा है। मिश्री के सेवन से पित्त का शमन होने पर जब जीभ का कड़वापन मिट जाता है तब मिश्री मीठी लगने लगती है, क्योंकि वह मीठी ही है। इसी प्रकार पूर्व संचित कर्म मल के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक भगवान के नाम के माधुर्य का अनुभव नहीं करती बल्कि उसे कड़वा समझती है, तब तक दवा के रूप में जबरदस्ती उसे लेते रहना चाहिए। लेते लेते कर्म मल का शमन होते ही भगवान की सहज नाम माधुरी का स्वाद आने लगेगा। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि नाम का आश्रय कलयुग में सबसे बड़ा आश्रय है। इस एक ही आश्रय से सर्वांगीण पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। अतएव नित्य निरंतर नाम का सेवन करना चाहिए और जहाँ तक बने नाम का सेवन नाम प्रेम की वृद्धि के लिए ही करना चाहिए, किसी भी लौकिक पारलौकिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। नाम का फल अचिंत्य और अमूल्य है। इन विषयों पर इसी अंक में नाम का फल और राम नाम का मूल्य दो कहानियां छप रही हैं। उनकी वास्तविकता पर ध्यान न देकर उसमें भरे वास्तविक सत्य का ग्रहण करना चाहिए। नाम का जप मानसिक उपांशु और वाचिक तीन तरह से हो सकता है। नाम जप में जितनी सूक्ष्मता हो उतना ही वह श्रेष्ठ है, पर नाम कीर्तन जितना ही वाणी का स्पष्ट उच्चारण और उद्घोष हो उतना ही श्रेष्ठ है। अपनी अपनी स्थिति और रुचि के अनुसार जप कीर्तन करना चाहिए। भगवान के सभी नाम समान महत्व रखते हैं। किसी भी नाम में ऊंच नीच का भाव न रखकर अपने लिए जो भी नाम विशेष प्रीतिकर और रुचिकर जान पड़े उसी का जप कीर्तन करना चाहिए। यद्यपि समस्त भगवान नामों की महिमा समान ही है, तथापि जो नाम अपने को प्रिय है उनके कीर्तन से अनायास ही अपने अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि हो सकती है।
विभिन्न रुचि वाले लोगों का क्रमशः सभी नामों में प्रेम संभव हो जाता है, फिर वे सभी नाम उन्हें प्रिय हो जाते हैं। अतः भगवान के जिस नाम या जिन नामों में अपना मन लगता हो उसी का जप करें। परंतु नाम जप करने वाले के लिए यह परम आवश्यक है कि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में नाम जप अवश्य करें। इस नियत जप के अतिरिक्त दिन रात बिना संख्या के नाम जप होता रहे, इसके लिए सावधानी के साथ प्रयत्नशील रहें। नियमित संख्या के नाम जप का दृढ़ नियम होने से उतना जप तो प्रतिदिन पूरा हो ही जाएगा, नहीं तो नियम न रहने पर किसी भी आवश्यक अनावश्यक कार्य में समय लग जाएगा और जो सबसे पहले करने योग्य तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं जीवन में अत्यंत आवश्यक कार्य है वह नाम जप छूट जाएगा। मन धोखा देकर समझा देगा कि नियम थोड़े ही है, यह बहुत जरूरी काम है, इसे कर लेना चाहिए, फिर व्यर्थ की बातचीत भी जरूरी काम हो जाएगी। परंतु नियम होने पर उतना समय नाम जप में अवश्य लगेगा और नाम जप होने से भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध कम से कम एक अंग जीभ का तो बना ही रहेगा। उतने समय तक वाणी का केवल संयम ही नहीं होगा, वाणी का यथार्थ सदुपयोग होगा, क्योंकि वाणी का सदुपयोग भगवान के नाम गुण गान में ही है। उतने समय तक प्रमादवश होने वाले मिथ्या भाषण पर निंदा से रक्षा होगी, कम से कम व्यर्थ भाषण से जीव की रक्षा होगी, प्रमादयुक्त वाणी के कारण होने वाले दुष्परिणामों से बचाव होगा और नाम जप रूप सबसे महान लाभ प्राप्त होगा। लगातार नियमित जप होने से वाणी का वैसा अभ्यास हो जाएगा जिससे वाणी सहज ही अपने आप नाम जप करती रहेगी और इससे फिर मन भी लग जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है, मेरे सारे अंग आपके चरणों से विमुख हैं, केवल मुख ने जीभ ने नाम की ओट ले रखी है। स्वामी श्री हरिदास जी नियमित 300,000 नाम जप प्रतिदिन करते थे, इससे उनको डिगाने के लिए आई हुई वैश्या उनका तो कुछ बिगाड़ कर नहीं सकी, स्वयं उसी का उद्धार हो गया। स्वर्गीय पंडित श्री मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा पूर्वाभ्यास वश मृत्यु के कुछ पहले से ही गायत्री जप होने लगा था, इसी प्रकार पूर्वाभ्यास वश विश्वकवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता श्री द्विजेंद्रनाथ ठाकुर बाह्य चेतना शून्य अवस्था में आसन लगाकर बैठ गए थे और गायत्री जप करने लगे थे। नाम का अभ्यास होने पर अंतकाल में भगवान का नाम आ जाता है और अंतकाल की स्थिति के अनुसार उसे सहज ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। अतः प्रतिदिन नियमित संख्या में नाम जप अवश्य करना चाहिए, किया जाए तो आसानी से 100,000 नाम जप प्रतिदिन हो सकता है। मनुष्य दिन भर बोलता नहीं है, उसकी जीभ अधिकांश समय खाली रहती है, वह यदि चाहे और स्मरण रखे तो आसानी से दिन भर में चलते फिरते 100,000 नाम जप कर सकता है, नहीं तो 21,600 की संख्या पूरी कर ही लेनी चाहिए। दिन भर में औसत इतने श्वास आते हैं, अतः इतना जप होने पर प्रति श्वास एक नाम का जप हो जाएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे।